जनपद संभल के कुड़फतेहगढ़ थाना क्षेत्र में हुआ पिता पुत्री के अपहरण का मामला फर्जी। पिता पुत्री साकुशल बरामद, 7 अभियुक्त गिरफ्तार। झूठी इज्जत के कारण पिता ने रचा अपहरण का झूठा नाटक। आपको बता दें कि जनपद संभल के कुड़फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गांव खनुपुरा निवासी राज बहादुर के पुत्र सुनील ने 18 अगस्त को कुड़फतेहगढ़ थाने में हथियारों के बल पर रात को सोते समय अपने पिता और बहन के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने इस मामले में खुलासे के लिए 3 टीमें गठित की थी, जिसके बाद पुलिस ने राज बहादुर को उसके साड़ू के लड़के राहुल के मुरादाबाद लाइन पर स्थित घर से तथा नीलम को भी मुरादाबाद लाइन पर सूर्यनगर से जयवीर के घर से बरामद किया। पूछताछ में राज बहादुर ने बताया कि उसकी बेटी नीलम 17 अगस्त को दिन में करीब 3 बजे किसी के साथ घर पर किसी को बिना कुछ बताए चली गई थी। शाम को 6 बजे घर लौटने पर मुझे पता चला, जिसके बाद हमने उसे खोजा और वे कहीं नहीं मिलने पर शर्मिंदगी और लोक लाज से बचने और समाज में बेइज्जती न हो तो मैंने परिजनों के साथ मिलकर ये सारी साजिश रची। पुलिस ने इस मामले में 7 अभियुक्तों राज बहादुर, अमरवती, सुनील, नीलम, धर्मवती, भोजराज तथा मुकेश को गिरफ्तार किया, जिनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। एक खनुपुरा गांव है थाना क्षेत्र में जनपद संभल में, यहां पे एक व्यक्ति राज बहादुर और उसकी लड़की का फर्जी अपहरण का एक पूरा ड्रामा षड्यंत्र रचा गया था और इसको पुलिस को सूचना दी गई थी। इसमें उसके लड़के ने सुनील ने मुकदमा दर्ज कराया, तहरीर भी उस पर मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें टीमें गठित की गई। लगातार इसमें 3 टीमें और हमारे एडिशनल SP और मैं स्वयं और स्वाट टीम, हमारी सभी लोग सक्रिय रूप से लगे हुए थे। सभी ने वहां जा करके जानकारी इकट्ठा की और इसमें अथक प्रयास करके इसका सफल अनावरण किया गया। पूरा प्रकरण एक झूठा कूटरचित और एक फेक तरीके से बनाया गया एक जाल था, जिसको क्रैक किया गया और इसमें जो व्यक्ति राज बहादुर था और उसकी लड़की, दोनों को सकुशल वापस लाया गया और पूरे प्रकरण का पटाक्षेप किया गया। ये फर्जी तरीके से एक अपहरण कांड था जो इनके परिवार द्वारा साजिशपूर्ण रचा गया था। इसमें जब पूछताछ किया गया, गहन पूछताछ में प्रकरण निकल के आया कि जो इनकी लड़की थी वो किसी लड़के से लगातार संपर्क में थी, 5 महीने से लगातार संपर्क में थी और उसने तय किया था कि उस दिन सोमवार को वो वहाँ से 3 बजे उसके साथ और उसके 2 साथियों के साथ वहाँ से चली जाएगी। इसी क्रम में लगभग 3:30 बजे वो व्यक्ति आया और उसके साथ वो एक बेनी वहाँ शिव मंदिर पड़ता है, वहाँ पर जाके इकट्ठा हुए, वहाँ से वो इन तीनों के साथ में वहाँ से चली गई। जा करके वो अपना मुरादाबाद में एक जगह जो धर्मपाल का घर है वहाँ रहने लगी, जयवीर का, जयवीर के घर पे रहने लगी, वहाँ पे रुकी हुई थी। इसी क्रम में जब ये बात इनके परिवार वालों को पता चली तो लोकलाज और इसके बचने के लिए कि हमारी बेइज्जती हो गई है, इससे बचने के लिए इन्होंने पहले ढूंढना शुरू किया। उसके बाद इनका मामा जो है भोजपाल को इन लोगों ने बुलाया और भोजपाल और ये पूरा परिवार मिलकर एक षड्यंत्र के रूप में एक साजिश तैयार किया इन्होंने कि फर्जी तरीके से जो पिता है राज बहादुर उसका और लड़की का अपहरण बता दिया जाए लोगों को, पब्लिक को भी और पुलिस को भी, और उसके बाद 2-1 दिन बाद वो स्वयं राज बहादुर वापस आ जाएगा और बाकी लोगों को बता दिया जाएगा कि अपहर्ता अभी लड़की को छोड़े नहीं है। इस तरीके से इन लोगों ने फर्जी माहौल बनाया और उसके बाद जो ये भोजपाल है इसने राज बहादुर को अपने साथ बैठा करके जो मुरादाबाद में इसके साढ़ू का एक लड़का राहुल रहता है, तैयारी करता है वहाँ पे रामलीला ग्राउंड के पास में, वहाँ पे ले जाके इनको रख दिया रात में और उसके बाद फ़ोन करके बता दिया कि अब तुम लोग हल्ला मचा दो। तो उसमें जो इनकी पत्नी, पुत्री बड़ी और जो बेटा है वो और ये इसका साला, ये सब मिल करके सभी को बताने लगे कि 2 बाइक सवार, पहले इन्होंने बताया कि 2 बाइक सवार 4 बदमाश आए और पिता जो आंगन में सो रहे थे उनको तमंचे के बल पे गाड़ी में बैठा करके और उसी के साथ लड़की जो बाहर उनको रोकने के लिए पहुंची तो उसको भी मोटरसाइकिल से बैठा करके 2 अलग अलग दिशाओं में लेके चले गए हैं। और उसके बाद जब पुलिस पहुंची तो इनके बयानों में ही विरोधाभास नज़र आने लगा। जब लड़की ने बताया कि 2 बाइक सवार 4 लोग आए थे, लड़के से जब पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि 8 लोग आए थे, इनकी पत्नी ने बताया कि हम लोग छत पे सो रहे थे, वहाँ से हम लोग नीचे उतर के आए तो जो लड़की है जो गायब हुई है वो पहले आ गई थी और उसको उठा के ले गए, बाकी सबको कुंडी लगा करके अंदर बंद कर दिया। तो इस तरीके से इनके बयानों में लगातार विरोधाभास आ रहा था और इस तरीके से इनको गहनता से इसमें पूछताछ प्रारंभ की गई और इसमें सारे तथ्यों को हम लोगों ने बहुत गहनता से एनालाइज किया। इनके पूरे पारिवारिक रिश्तेदारी के पहले पूरा डिटेल सिजरा बनवाया गया
उनमें एक एक पारिवारिक रिश्तेदारों को हम लोगों ने डिटेल किया, उनसे पूछताछ की, उनसे बातचीत किया, तो ये तथ्य निकल के आया कि ऐसी घटना की संभावना बहुत ही नगण्य है। इस तरीके से हम लोगों ने दूसरा इसमें जो आस्पेक्ट अपनाया, उसमें हम लोगों ने इनके आपसी विवाद, जो पूर्व के इनके आपसी विवाद रहे हैं, उनके FIR कंटेंट में जितने लोग शामिल रहे हैं, उन सभी को पूछताछ किया, उनसे ला करके बातचीत की कि कहीं उनका किसी का ना साजिश में हाथ हो। तो हम लोगों ने जब इसको एनालाइज किया तो ये भी तथ्य गलत निकला। फिर हम लोगों ने सर्विलांस की मदद से और मैनुअल इंटेलिजेंस की मदद से लोगों से जब पूछताछ किया और इनके बयानों के विरोधाभास को जस्टिफाई किया, तो ये पूरा प्रकरण फेक अपहरण का निकल के आया। इस क्रम में इनको जो लड़का है, पिता राज बहादुर, इसको राहुल के घर से लाइन पार मुरादाबाद से, और जो लड़की है नीलम, उसको जयवीर के घर से सूर्यनगर लाइन पार मझोला से बरामद किया गया है। इनको ला करके अब विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है।